लेकर के, बरमाला लेकर खड़ी हुई। जब भगवान धीरे धीरे चल रहे थे, इतने में जानक बोले क्यों जा रहे थे, बोले राम जब पुष्प वाटिका में फूल चयन करने गए थे, वो सवेरे का समय था, मीठी मीठी ठंडी ठंडी हवा बह रही थी और फूल चयन नहीं कर रहे थे, फूल इनको हाथों में समर्पित तो हो रहे थे, लेकिन प्रभु राम का शरीर इतने कोमल, उसी समय में भी प्रभु का शरीर से पसीना टपक रहा था। मतलब भगवान इतने कोमल है। अभी माँ सीता सोच रहे हैं, ये राम क्या ये धनुष को उठा पाएंगे, जिनकी इतने कोमल शरीर है, अगर ये धनुष नहीं उठा पाएंगे फिर मेरी जीवन क्या होएगी। इतने में माँ सीता वो तो प्राण को त्याग करने जा रही थी, भगवान राम देखा को बारिश जब कृषि सुखाई, भैया वो बारिश का क्या महत्व है, जब कृषि सूख जाए अभी धनुष में क्यों उठाने जा रहा हूँ, सीता जी से शादी करने के लिए अगर ये धनुष उठाने से पहले अगर ये सीता प्राण को त्याग दे दी तो धनुष उठाने का मतलब क्या रह जाएगा। इतने में राम जी सीता जी की भावना को समझ गए और उन्हें जल्दी आगे बढ़े और धनुष को पता नहीं भगवान कब पकड़े और धनुष को कब उठाए। जब उसने प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए गए, धनुष एकदम दो टुकड़े हो गए और इतने जोर से आवाज हुई और परशुराम जी आ गए थे। जब भगवान राम ने धनुष को तोड़ दिए, श्री जनक महाराज बोले सुनैना जल्दी जल्दी सीता को लेकर के आ जाओ, अभी सुनैना माँ सीता को लेकर के आ रही है, आ जाओ राम सीता आ जाओ। दो माला है ना, तुलसियावर राम चंद्र की जय जय श्री राम। श्री रघुवर को मल कमल नयन को तेरा रहे रहा
रघुवर तक ऐसे पहुंची जो छुई हुई के पल्लव सिखते सिखते सचे सचे श्री राम चीते चीते दर्शिता अद्भुत रूप निहारा कहरो जय माला श्री रघुवर को मन कमल नयन को कहरो जय माला I'm not
समझूल पवन संगे उड़ती पवन संगे अरे तीनों लग में खड़ी हो गया ऐसे हर से बदलने बदलने लगे हर हर बदलने लगे धाम दियो यार सुवर जी के उछल समझी सुते बदलने लगे हर हर बदलने लगे धाम दियो यार सुवर जी के यार सुवर जी के यार सुवर जी अभी सबके सब बैठ जाओ दो मिनट कथा सुनो बोले श्री सियावर रामचंद्र की जय अरे बैठ जाओ सबके सब सब बैठ जाओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा हाथ उठाकर बोलो कृष्णा कृष्णा हरे हरे सब बैठ जाओ सबके सब हरे राम माता जी सब बैठो राम राम हरे 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 कृष्णा अभी मैया सीता जी वरमाला लेकर के आई है अभी भगवान राम को पहनना चाह रहे थे लेकिन भगवान राम कितने बड़े बड़े हैं पर सर पर मुकुट पर पहने बोले मैया जानकी कितने बड़ी बोले भगवान राम की कंधे तक अभी मैया जानकी प्रभु राम की गला में माला पहनना चाह रही है लेकिन वो हाथ ही नहीं जा रहे माता जी बैठ जाओ सबसे बैठ जाओ सुन सब हरे कृष्ण अभी माता जानकी के हाथ नहीं पहुंच रही थी इतने में सीता जी को साथ में उसकी सहेलियां थी सहेलियों ने लक्ष्मण जी को कान में धीरे से चुपकी सी बोली बोले देख लक्ष्मण अगर तू हमारा काम कर दोगे ना तेरे काम भी हम कर देंगे लक्ष्मण बोले क्या काम करोगे बोले देख ये सीता जितनी सुंदरी इसकी एक छोटी बहनी जिसका नाम उर्मिला वो भी कम सुंदरी नहीं वो भी बड़ी सुंदरी है अगर तू हमारा काम कर दे और तेरे काम हम कर देंगे लक्ष्मण बोले फिर तो कुछ करना ही पड़ेगा हाँ जो शादी की बात आएगी ना इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा मेरे को इतने में राम ने लक्ष्मण को इशारा किया बोले लक्ष्मण तू कुछ कर क्योंकि माँ सीता हाथ में माला लेकर खड़ी हुई लेकिन राम तो ऐसे ऐसे खड़े सहेलियों ने राम की कान में बोले बोले थोड़ी सी सर झुका दो ना राम बोले क्या सर झुकाऊं रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए बरु बचन न जाए मेरे पिताजी का नाम दशरथ दशरथ मतलब जानते हो दस दिशाओं में जिनकी रथ चलती थी मतलब संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर में जिनकी प्रभुत्व विस्तार था इतने बड़े दशरथ महाराज की महिमा कहते कोई सौ अश्वमेध यज्ञ करे तभी इंद्र का आसन पर बैठ जा सकते हैं लेकिन जब दशरथ महाराज स्वर्ग में जाते थे इंद्र स्वयं दशरथ महाराज का आधा आसन छोड़ देते थे बोले इसमें बैठो मतलब इतने प्रभावशाली दशरथ महाराज बोले हम दशरथ बेटा के बेटे दशरथ महाराज के बेटा हैं हमने कभी भी किसी के चरण में सिर को मैंने नहीं झुकाया बोले शादी भी नहीं हुई बोले सर झुका दो भैया हम तो सर नहीं झुका हम तो खड़े हुए राम तो ऐसे खड़े इतने में लक्ष्मण को राम ने इशारा की बोले लक्ष्मण तू कुछ कर बोले प्रभु मैं क्या करूं लक्ष्मण कौन है ये धरणीधर ये पृथ्वी का स्वरूप है बोले प्रभु ये पृथ्वी तो दो टुकड़े है ही नहीं एक टुकड़े को ऊंचा कर दो और एक नीचा कर दो अगर ऊंचा करूंगा तो दोनों ही ऊंचे हो जाएंगे अगर नीचा करूंगा तो दोनों ही नीचे हो जाएंगे फिर मैं क्या करूं बोले तू तो कुछ कर देख तेरे भाभी कैसे माला लेकर खड़ी हुई इतने में प्रभु राम की भाव को लक्ष्मण समझ गए इतने में श्री लक्ष्मण जी राम के चरण में उन्होंने प्रणाम किया अगर कोई तुम्हारी चरण में प्रणाम करेगा तो क्या करोगे उठाओगे कि नहीं
राम बोले लक्ष्मण क्या कर रहे हो, प्रणाम क्यों कर रहे हो, उठो। जब उन्होंने लक्ष्मण को उठाने के लिए गई ना, इतने में माँ सीता ने राम के गले में माला डाल दी। वो सीते जी जय जय श्री राम हे, श्री श्याम रामचंद्र की जय, श्री लक्ष्मण लाल की जय, श्री हनुमत लाल की जय, जय जय श्री राम हे। जब माता सीता ने वरमाला डाली, अभी देवता लोग आकाश मार्ग में देख रहे थे और देवता लोग भी प्रसन्न होकर के भगवान सियावर रामचंद्र की जयकार दी। आप भी जयकार दो, बोले श्री सियावर रामचंद्र की जय। जय में आनंद में या पीछे के लोग तो बोल ही नहीं रहे, वो सब चुपचाप बैठ कर देख रहे हैं। और एक बार जो बोले श्री सियावर रामचंद्र की जय, हरे कृष्णा। अभी दशरथ महाराज, श्री जनक महाराज, उन्होंने खबर भेज दिया, कहा भेज दिया श्री अयोध्या में, दशरथ महाराज को आपका बेटा राम ने शिव धनुष को तोड़ा नहीं, अभी मेरी बेटी जानकी को साथ में शादी होगी। दशरथ महाराज इतने प्रसन्न हुए, पूरा बरात लेकर के आए। जब आए जनक महाराज पहले ये सोच रहे थे शायद ये दो भाई है, लेकिन जब बराती आए ना, देखा ये दो भाई नहीं, ये चार भाई है। कितने भाई है? ये चार भाई है, और इनके पास में चार बेटी हैं, सीता, उर्मिला, मांडवी और सुतकीर्ति, और ये राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ये चार भाई कौन हैं? कहते सख्यात विष्णु हैं। ये भगवान स्वयं चतुर्व्यूह रूप में आए हैं, वासुदेव, शंकर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। कहते ये चार बेटी कौन है? कहते सख्यात माँ लक्ष्मी स्वरूपी। ये बेटी कोई साधारण नहीं। इतने में श्री जनक महाराज जब देखे चार भाई, हमारे पास में चार बेटी जोड़ी तो बड़ी प्यारी है, हैं बड़ी प्यारी जोड़ी, बोले एक साथ में हम चाहते हैं हमारी चार बेटी की शादी हो जाए। फिर उन्होंने श्री वशिष्ठ जी और श्री दशरथ महाराज के पास में प्रार्थना की, अगर आपकी इच्छा हो हम चार बेटियों को देना चाहते हैं। दशरथ महाराज ने देखा अभी चार बेटे तो शादी के लायक ही हो गए, इनके लिए तो कहीं बेटा ढूंढना ही पड़ेगा, बेटी ढूंढना पड़ेगा। और इतने जनक महाराज जैसे ब्रह्म ज्ञानी और इतने बढ़िया परिवार, फिर कहाँ मिलेगी? इसलिए शुभम शीघ्रम, शुभ कार्य को क्या करो, शीघ्र शुभ कार्य कर देनी चाहिए। उन्होंने राजी हो गए और चार भाइयों को साथ में, चार बहुओं की एक साथ में शादी हो गई। और वहां पर जो वरजात्री 6 महीना तक रुके, किसी तरह से जनक महाराज उनको अयोध्या में जाना ही नहीं दे रहे थे। दशरथ महाराज बहुत प्रार्थना करते हुए फिर उन्होंने फिर अपना चार बेटियों को उन्होंने विदाई दिया। जब विदाई दी, जब श्री चार बहू आई कहां पर, श्री अयोध्या में, कई कई जब सीता जी की पहला बार उन्होंने मुख दिखाई दी, हाँ जब उनकी मुखमंडल को दर्शन की, केवल एक बार सीता जी के मुंह दिखाई में उन्होंने कनक भवन को दे दिया। अयोध्या कोई गए हो? अयोध्या कौन कौन गए हैं, कौन कौन अयोध्या गए, वहां पर देखना वहां कनक भवन है। उन्होंने केवल मुंह दिखाई में वो कनक भवन को उन्होंने दे दिया, इतने सुंदर कनक भवन दी है। अभी पहले ये नियम होता था शादी के बाद में ना, हठात तो कोई पत्नी को साथ में नहीं मिलते थे, वो चार दिन को बाद में फिर पत्नी को साथ में कोई मिलते थे। अभी जब 4 दिन हो गया, इतने में सीता जी की इतनी सहेलियां थी ना, इन लोगों ने चार बहुओं को बड़ी सुंदर श्रृंगार करके चार बेटों को पास में ले आए, बोले देखो तुम चार भाई और ये तुम्हारी चार बहू हैं, अपना अपना बहुओं को तुम छांट लो। और राम को बोले देख राम, छोटे भाई का जो बहू होती है वो बेटी के बराबर है, अगर तू अपना बहू को बहू नहीं बोल करके, अगर तुम छोटे भाई को बहू को बहू बोल दिया ना, इसका मतलब क्या हो गया, तुमने बेटी को बहू बनाए। और ये तीनों भाइयों को सावधान कर दिए, बोले देखो बड़े भाई का जो पत्नी वो माँ की बराबर होती है,
अगर तू अपना पत्नी को पत्नी नहीं बोल करके अगर बड़े भाई को पत्नी बोल दिया ना, क्या हो गया? तुमने अपना माँ को बेटी इसलिए उन्होंने उनको सावधान कर दिए, अपना बहू को ही अपना बहू रूप में स्वीकार करो। अब ये चार भाइयों का तो पसीना पसीना निकलेगा। बोले भैया अभी तक तो हमने बहुओं को देखा ही नहीं, ये कहते अपना अपना बहुओं को छांट लो। हम कैसे छांटेंगे? इतने में राम ने बहुत सोच सोच करके, प्रभु राम ने बोले ये मेरी बहू है। बोले भैया ये तो बहू को देखा नहीं, एकदम सही उन्होंने छांट लिया। अभी भरत जी को बोले बताओ ये चारों में तुम्हारी बहू कौन है? उन्होंने बहुत सोच सोच करके भरत जी बोले ये मेरी बहू है। बोले भैया तुम सही सही बहुओं को छांट रहे। इतने में उन्होंने श्री भरत को बोले बोले तुम्हारी बहू, श्री शत्रुघ्न को बोले तुम्हारी बहू कौन है? वो भी सोच सोच करके बोले ये मेरी बहू। बोले भैया अभी तक बहू को देखे नहीं, बहू को छांट कैसे रहे? एकदम सही सही छांट लिए। इतने लक्ष्मण को बोले तुम्हारी बहू कौन है? वो भी सही सही बोल दिया ये मेरी बहू। बोले भैया एकदम सही सही कैसे बोल दिए? तब श्री जितने सालियां थी ना राम से पूछे, राम ये बताओ तुमने तुम्हारी बहू को कैसे पहचाना? ये सीता तुमको कैसे पहचाना? बोले देखो सीता जी को मैंने दो बार देखा है। जब वो पुष्प चयन करने के लिए गौरी पूजा के लिए गई थी उसी समय मैंने सीता जी को देखा। जब सीता मेरे गले में माला डाल रही थी तब भी मैंने सीता जी को देखा। जीवन में मैंने ये सीता को मैंने दो बार देखा, इसलिए मैंने पहचान गया ये सीता कौन है। बोले ये बात? बोले हाँ। बोले भरत जी को पूछे तेरे को कैसे पता चला ये तेरी बहू? बोले मैं जब कोई काम करता हूँ प्रभु राम की चरण की चिंतन करते हुए काम करता हूँ, इसलिए हर काम में सक्सेसफुल हो जाता हूँ, इसलिए प्रभु की चरण चिंतन करते करते छांट लिया। बोले ठीक है। तब श्री शत्रुघ्न को बोले तेरे को कैसे पता चला ये तेरी बहू? बोले देखो ये चार भाइयों में मैं सबसे छोटा हूँ, मैंने देखा ये चारों में जो सबसे छोटी होगी ना वो मेरी बहू होगी, इसलिए सबसे जो छोटी थी मैंने बोल दिया ये मेरी बहू। बोलो ये बात? बोले हाँ। बोले लक्ष्मण को बोले तेरे को कैसे पता चला ये तेरी बहू? बोले सीधी सी बात, तीनों ने जब तीनों को छांट लिया जो रह गई कहते वो मेरी बहू मैंने छांट ली है। ऐसे ही वहां पर बड़े हंसी तिलक किए। अभी जिस समय प्रभु रामचंद्र को राज्याभिषेक करने के लिए जा रहे थे इतने में मंथरा ने कैकेयी को बुद्धि को उन्होंने भ्रष्ट कर दिया। तुम अभी दो वर मांगो, पहला वर में मेरा बेटा भरत राज सिंहासन में बैठेगा और दूसरे वर में राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाएगा। जब भगवान राम वनवास गए इतने में सुपर्णखा प्रभु रूप देख करके मुग्ध हो गई। अब शादी करने के लिए आए थे लक्ष्मण, उसकी नाक काट दिए। उसने रावण को जाकर के भड़का दी, बोले भैया इतने सुंदर स्त्री थी पृथ्वी में, मैंने कभी नहीं देखा इतना सुंदर स्त्री। मैंने तो सोच रहा था वो सीते को तेरे का बहू बनाने के लिए, लेकिन ये दोनों भाई मेरे ऊपर भड़क गए और मेरे नाक कान को उन्होंने काट दिया। इतने में रावण ने उसने सन्यास के रूप धारण करते हुए उन्होंने सीता को उठा करके ले गया। हाँ देखो ये कथा कौन किसको सुना रहे हैं? बोले मैया जसोदा कृष्ण को गोद में थपथप लगा करके कथा सुना रहे हैं। जब सुना कृष्ण सीता को रावण उठा दिया, राम कौन है? कहते कृष्ण कौन है? वही राम ही तो कृष्ण बने ना। बोले मेरे सीता को कौन उठा करके ले जाएगा? कृष्ण गोद में सो रहे थे एकदम खड़े हो गए। बोले भैया लक्ष्मण मेरे धनुष ला, मैं देखता हूँ कौन मेरी सीता को उठा करके ले जाएगा। मैया बोले इसको क्या हो गया? मैया को पता नहीं ना वो राम ही कृष्ण बन करके आए। ऐसे ही मैया जसोदा बचपन में भगवान कृष्ण को प्रभु राम की मिट्टी में प्रभु कथा सुनाया करते थे। बोले श्री सियावर रामचंद्र की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
अभी हम गिरिराज जी कथा सुनेंगे। कल मैं सुना रहा था उसकी, तो माँ की दे दो तो बच्चे। कल हम लोग सुन रहे थे जो गिरिराज की पूजा भागवत में सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि भगवान कृष्ण ही जैसे कोई दूसरे देवा देवी है उनको कोई दूसरे दूसरे ने पूजा की, लेकिन गिरिराज की पूजा कौन की? कृष्ण स्वयं की। बांके बिहारी स्वयं एक ही ठाकुर हुए जो ठाकुर जी को पूजा की है। बांके बिहारी स्वयं उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन की, स्वयं श्री कृष्ण ही किए हैं। इसलिए ये गिरिराज पूजा की बहुत महत्व, श्री गिरिराज पूजा की। इसलिए कल हम लोग सुन रहे थे कि जो गिरिराज गोवर्धन कौन है, कहते ये सर्व अभिष्ट प्रदाता, मतलब सारे इच्छाओं को जो पूरी करते हैं श्री गिरिराज गोवर्धन। इसलिए कल हम सुन रहे थे जो व्यक्ति ये गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, कृष्ण स्वयं उनको पीछे 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 कृष्ण स्वयं ढूंढते हैं। ये मेरे से क्या मांगेगा, उसको जो कुछ मांगेगा उसकी सारी इच्छाओं को गिरिराज पूरी कर देते हैं। इसलिए जितने गिरिराज पत्थर के ऊपर में पत्थर रख लो, उतना गिरिराज गोवर्धन उतना मंजिले मकान दे देते हैं। जिनके घर में बेटा बेटियों की शादी नहीं होती है, नौकरी चाकरी नहीं मिलते हैं, कोई रोग शोक में है, गिरिराज जाओ परिक्रमा करो, गिरिराज के अभिषेक करो, गिरिराज सब इच्छाओं को पूरी कर देते हैं। इसलिए इनका नाम सर्व अभिष्ट प्रदाता, मतलब जो कुछ श्री गिरिराज से मांगो गिरिराज आपको वही दे देते हैं। इसलिए अभी हम लोग श्री गिरिराज की कथा सुनेंगे, और कथा सुनने से पहले हमारे एक भक्त है वो थोड़ी सी हम कथा सुनाएंगे। घूम कर खड़ो बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। जय श्री राम। हाँ, ये 5 मिनट आपको थोड़ी सी कथा सुनाएगा, फिर सुनो। देखो कल देखो एक अनाउंसमेंट है, कल कथा की समाप्ति विश्राम है, समाप्त नहीं विश्राम है। कल भगवान रास करेंगे, कल भगवान कृष्ण रुक्मिणी की शादी होगी। कहते ना, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। कल भगवान कृष्ण की शादी होगी, ठीक है। कल है ना, जैसे आप लोग शादी में बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहन करके जाते हो और सज धज करके, कल सबके सब लाल रंग के साड़ी पहन करके आना। हाँ, जो कुछ आलमीरा में बहुत शादी का समय से रखा हुआ खराब हो रहा है उसको निकालना, और कल के सबके सब कन्या की दुल्हन बन करके आना, ठीक है ना। देखो भगवान को आप जिस रूप में प्रार्थना करोगे ना, ये गोपियां पूर्व जन्म में कौन थी जानती हो? इन लोगों ने पूर्व जन्म में कोई श्रुति की मंत्र कोई थे, दंडकारण्य ऋषि लोग थे, इन लोगों ने कठोर तपस्या की भगवान की दुल्हनी बनने के लिए। इन लोगों ने कठोर तपस्या की, भगवान संतुष्ट होकर के आशीर्वाद दिए, ठाकुर जी आशीर्वाद दिए, इसलिए कृष्ण की गोपी बन करके आए। इसलिए भगवान को जीवन में जो कुछ भगवान से मांगोगे भगवान सब दे देते हैं। इसलिए आप जिस भाव से आओगे ना उसी भाव से ठाकुर जी प्राप्त होते हैं। इसलिए कल एकदम सज्जा जिक्र करना, और कल होली खेलेंगे, कुछ फूल ले आना, कुछ गुलाल भी ले आना, ठीक है ना। आज भी रज में होली, अभी होली आ रही है ना। देखो आप लोग होली एक दिन खेलते हैं ना, हमारे शास्त्र में आता है ब्रज में तो 1 महीना होली खेलते हैं, और कहीं कहीं ब्रज में 3 महीना भी होली खेलते हैं। और कहते जो गोलोक वृंदावन में जो होली है, कहते ये साल भर होली होता है, साल भर ये होली खेल वहाँ पर होता है। इसलिए कल हम बड़े धूमधाम से होली खेलेंगे, इसलिए कल एकदम सज्ज करके आना। और कल हो सकता है थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकती है, और जो परसों है हम कल सोच रहे थे, हैं सोच रहे थे कल कथा को विश्राम करके उसके बाद में भंडारा कर देंगे, लेकिन कुछ कुछ लोगों ने कहा नहीं, कथा को बाद में हवन होनी चाहिए, यज्ञ होनी चाहिए। इसलिए परसों हम यहाँ पर यज्ञ करके सवेरे एकदम 9 बजे हमारे यहाँ यज्ञ शुरू हो जाएगी, 8 बजे आप लोग आ जाएंगे परसों, उसको बाद में भंडारा है। ये जो यज्ञ होगी, साधारण जगत में पंडित लोग जो यज्ञ करते ना वो यज्ञ नहीं है, इसका नाम है वैष्णव हो। ये यज्ञ में जिन लोगों का नाम आहुत देंगे, भागवत में जिन जिन भक्तों का संतों की आप लोगों ने कथा सुने हैं, वो मंत्र से यज्ञ दी आहुति दी जाएगी, और उसमें एक नारायण कवच है,
और एक सुदर्शन कवच है और उसमें एक नरसिंह कवच का मंत्र की आहुति, जैसे घर में किसी दुख कष्ट है, कोई परेशानी है, जैसे किसको ऊपर में काल सर्प का जो उल्टा पुल्टा कुछ होता है, वो यज्ञ में आहुति दोगे ना, वो सारे जीवन का जितने दुख कष्ट सब खत्म हो जाएगी। जैसे श्री प्रहलाद महाराज को जब विपत्ति आई, भगवान नरसिंह देव सारे विपत्ति से रक्षा की, उसमें नरसिंह भगवान की भी हम मंत्र से आहुति देते हैं। उसको आहुति देने से तुम्हारी घर का जितने दुख कष्ट है वो सारे परेशानी घर से खत्म हो जाएगी। परसों एकदम 9 बजे से पहले आ जाएगा, ठीक है? और आते समय आप लोग कुछ हवन सामग्री अगर हो थोड़ी सी, नहीं तो कोई गोला हो, नहीं तो थोड़ी सी घी हो, कुछ ना कुछ लेकर के आना, फिर वो यज्ञ में आहुति डालना, ठीक है? और देखो ये जो कथा हो रही है, ये कथा कोई एक व्यक्ति कथा नहीं करवा रहे हैं, हमारे जो माता जी कथा कर रहे हैं। कहाँ गई माता जी? माता जी सुनीता चौहान दीदी जानते हो ये कथा का आयोजन कैसे की? इन्होंने घर घर में कीर्तन कराते थे, वो कीर्तन में थोड़ी बहुत पैसा मिलता था, लेकिन इन्होंने पैसा को इधर उधर उन्होंने नहीं लगाया। जब थोड़ी सी पैसा इकट्ठे हो गई, उसने सोचा ये भागवत कथा क्यों नहीं करवा दे, क्योंकि जिस जगह पर ये भागवत कथा हो तद वो स्थान साक्षात भगवत धाम हो जाता है और देवता लोग भी प्रसन्न होकर के भागवत की जयकार देते हैं। पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है वहीं आकर के निवास करते हैं, वो स्थान का जितने दुख कष्ट, गांव का जितने अमंगल, ये भागवत कथाओं में से सारे अमंगल दूर हो जाता है, क्योंकि भगवान की जो कथा है मंगल भवन मंगल हारी। माता जी ने ये भागवत कथा को उन्हें रखवाया। जैसे कथा में जैसे भंडारा होगी है, अगर आप लोग किसकी मन में इच्छा हो कुछ मदद करने के लिए, आटा भी हो सब्जी भी हो उसमें, नहीं तो कुछ पैसा भी हो, क्योंकि जो भक्त लोग आए इनको भी कुछ देना पड़ेगा, टेंट लगाए इसका भी कुछ खर्चा है, माइक का भी कुछ खर्चा है, इसलिए अगर ये माता जी को आप लोग कुछ मदद कर सकते हो अच्छी बात है, क्योंकि भागवत कथा में जैसे सुदामा ने दो मुठ्ठी चिड़वा दिया तो ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिए। अगर आपका कुछ समर्थ हो दे सकते हो, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ जाओ जाओ कृष्ण रुक्मिणी, अभी जाओ तुम बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ। हाँ वंदना एक करना, ये प्रभु जी थोड़ी सी कथा सुनाएंगे, फिर मैं गिरिराज की कथा सुनाऊंगा। और देखो आज कुछ भक्त लोग आ करके हमसे माला लेकर गए, कुछ कोई तुलसी माला लिए और कोई नीम माला लिए। देखो इधर मेरे तरफ में सुनो, बच्चों इधर बैठ जाओ, देखो मेरे तरफ में देखो सबके सब। हम जो माला है ना, हम दो तरह से माला देते हैं, जो कोई प्याज लहसुन नहीं खाए और एकदम मांस मछली नहीं खाए तभी हम उसको तुलसी माला देते हैं, गले में तुलसी की कंडी देते हैं, जप करने के लिए तुलसी माला देते हैं। अगर जो कोई बोलेगा अभी हम एक साथ में ये चीज को हम छोड़ नहीं सकते हैं, हम धीरे धीरे ये चीज को छोड़ेंगे, फिर हम उसको नीम की माला देते हैं, तब भी उनको भी माला देते हैं, लेकिन ये नीम माला देते हैं। ठाकुर जी की माला जब करते 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 अपनी आप ये सारी गंदी चीज खत्म हो जाती है अपनी आप। और ये जो कथा है, ये कथा की सारांश क्या है? बोले भगवान के नाम है, भगवान की नाम। कल हम सुन रहे थे ना चारी बोमों की कथा सुन रहे थे ना, किसको किसको याद है चारी बोम की कथा? ये कौन सा बहु लास्ट में गई साथ में, कौन सा नंबर की बहु गई? चौथी, चौथे नंबर की। ये चौथे नंबर की बहु कौन थी? भक्ति। भक्ति भगवान का नाम है, जिस शरीर को हम इतने प्रेम करते हैं, ये पहला नंबर बहु है, जिसको चवनप्राश खिलाते हैं, जिम जाते हैं, जिसको ब्यूटी पार्लर में सजाते हैं, ये पहला नंबर बहु है। लेकिन वो बोली एक कदम भी तेरे साथ में नहीं चलूंगी, क्यों? शरीर छोड़ने का बाद जिस शरीर को हम इतने खिलाते हैं पिलाते हैं यही रह जाती है। दूसरे नंबर की बहू कौन थी? बोलो कौन थी दूसरे नंबर की बहू? जो सबसे सुंदर थी वो कौन है? ऐसा बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। जिसको पैसा को हम सारा दुनिया को दिखाते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, बढ़िया बढ़िया दुकान वकान, पैसा के जब पूछे तू चलोगी? बोले तेरे मैं तो देख रहा हूँ तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। बोला पैसा को जो कमाया वो भी गया,
तीसरी नंबर की बहू कौन थी? राजा जिसकी मीठा मीठा बोली सुनता था और मन की बात बोलता था। जब उसको बोले तू साथ में चलोगी, उसने क्या बोले? बोले हाँ चलूंगी, लेकिन दरवाजे तक चलूंगी। मतलब वो कौन है? बोले पत्नी है। पत्नी से पूछे चलोगी साथ में? बोले हाँ चलूंगी, लेकिन दरवाजे तक चलूंगी। बोले आगे? बोले आगे नहीं चल सकती हूँ। जब परिवार वालों से पूछे चलोगे? बोले हाँ, तेरे लिए बड़े सुंदर आरती सजाएंगे और राम नाम सत्य करते शमशान तक ले जाएंगे और वहीं पर जला करके वापस आ जाएंगे। अभी चौथी नंबर आई, राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेगलेक्ट करके रखा था, बेकार, किसी काम की नहीं, कभी उसको साड़ी साबुन तेल तक भी पूछा नहीं, लेकिन जब उन्होंने उसको पूछे कि तुम क्या साथ में चलोगी, लेकिन वही लास्ट में राजी होती है। बोले राजा तेरे को तिल से मैं बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन दुख की बात है तुमने एक बार भी मेरे तरफ में झांक कर भी नहीं देखा, तुमने पूछा भी नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, भले ही तुमने जो जो कुछ किए हो, दिल से मैं तेरे को प्रेम करती हूँ, तेरे साथ साथ में चलूंगी। वो कौन है? ठाकुर जी की नाम और भगवान की भक्ति है ना। जिस नाम को बोले अगर भगवान को थोड़ा नाम करो, बोले जिसका कोई काम धाम नहीं ना, वही सब माला हरे कृष्ण करते हैं। जिसको वहां से काम धाम ना, वो टीवी देखते हैं, सिनेमा घूमने जाते हैं, हाँ बेटी बहू की चुगली करते हैं, ये सब काम करने के लिए हमारे पास में सारे समय है। लेकिन बोलो भैया एक माला जप करो, इसमें शांति सुख मिलेगा और अंतिम समय जब जाओगे क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? यही बोलते हैं राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात होता है, यही बोलते बोलते ले जाते हैं। जितने तुमने प्रभु का नाम लिया केवल तेरे साथ में वही जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम कोई तैयार नहीं होते, ठीक है ना। इसलिए भागवत की जो सार है ये ठाकुर जी के नाम है। अगर भगवान के नाम में तुम्हारी रुचि हो गई, समझना तुम्हारी कथा सुनना तुम्हारी सार्थकता हो गई। इसलिए आज कुछ भक्त लोग आए थे, माला लेकर गए हैं, अगर किसको इच्छा होगी हम भी माला लेंगे। कल श्री चौहान माता जी घर में सवेरे हम 8 बजे हम आएंगे, आज भी आए थे कल भी आए थे, जिसकी इच्छा होगी ले लेना। और जिन भक्तों ने पहले माला लिए हो, जैसे पहले पहले मैं नीम का माला दे देता हूँ, अगर आप पवित्र हो गए हो तुलसी माला ले सकते हो, और जो लोग तुलसी माला पहले लिए हो उसको बाद में फिर हम दीक्षा मंत्र देते हैं, एक गोपाल मंत्र प्रदान करते हैं, जिस मंत्र को तुरा भोग लगा सकते हो, इसलिए ये गोपाल मंत्र देते हैं। जिन लोगों ने पहले हरिनाम ले चुके हो आप लोग गोपाल मंत्र लेने के लिए कल आना, आज भी कुछ भक्त गोपाल मंत्र लेकर गए, ठीक है। हाँ, और जो व्यक्ति गोपाल मंत्र ले चुके हो पहले, अगर किसी को पूर्ण दीक्षा चाहिए, हम परसों दिन जो यज्ञ करेंगे, अगर कोई पुरुष लोग हो जो पूर्ण दीक्षा लेना चाहते हो कल मेरे साथ में मिलना, फिर उनको जनेऊ संस्कार होता है, फिर उसको यज्ञ में उसके आहुति देते हैं, फिर उनको पूर्ण संस्कार हो जाती है, जिसकी जैसे इच्छा आप वैसे ले सकते हो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। वंदे श्री गुरु श्री युत पद कमलम श्री गुरुर्वैष्णवंशं च श्री रूपं सागर जातं सहगण रघुनाथं तावतं सजीवनं साधेत साधुदूतं परिजनं सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखातीतं। सभी एक बार मेरे सब मिलके बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनकोटि शासन दंडवत प्रणाम करता हूँ और समस्त गुरुवर गुरु परंपरा के चरणों में मेरा प्रणाम और उपस्थित वैष्णव वैष्णवी मात्र भाई बहन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। वैसे गुरु जी का आदेश है मैं कुछ नाम की महिमा बताऊं, वैसे मेरा कहने का अधिकार तो नहीं, लेकिन तब भी मैं गुरुदेव की कृपा से कुछ कहने का प्रयास करूंगा। एक बार पार्वती जी शिवजी जी से पूछते हैं कि प्रभु जी एक बात बताइए, आप कहते हैं कि कलयुग में भक्ति करना बहुत आसान है, लेकिन मैं देख रही हूँ
सबके सब लोग भटक रहे हैं। आप कहते हैं ये कलयुग में भगवान को पाना है बहुत आसान है, लेकिन देख रहे हो मैं तो कोई भी लोग भगवान के पास जाते नहीं, ऐसा क्यों? तो शिव जी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि बहुना जन्म ना मनते ज्ञानवान वम प्रपदन्ते वासुदेवाय सर्वमति सुमहात्मा सुदुर्लभ। ये बहुत बहुत करोड़ों जन्मों के बाद कोई कोई ज्ञानवान पुरुष जिसकी कई करोड़ों जन्मों की सुकृतियां उदित होती हैं, तब जाके ऐसे कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण में आते हैं। ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं। जो आप लोग सब आए ना भागवत कथा में, तो ऐसा आप लोग बहुत दुर्लभ हो। कई कथा होती है, कई जगह कीर्तन होते हैं, लेकिन हर कोई नहीं पहुंच पाता, कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं वहां। तो आप सब लोग, सबके सब लोग जो लोग बैठे हैं बहुत भाग्यशाली हो। तो मैं कुछ हम जो ये कथा सुन रहे हैं, इसका कथा सुनने का सार क्या है? भक्ति। लेकिन भक्ति से पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमें भक्ति करनी किसकी है, भक्ति करनी किसकी है। आधे से ज्यादा लोगों को यही नहीं पता कि भक्ति करनी किसकी है, ठीक है? तो हम ये कैसे जानेंगे? तो हमें ये भक्ति, ये जानने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि हमें भक्ति करनी किसकी है, कि हमारे परम पिता कौन है, हमारे परम पिता कौन है, पता कैसे चलेगा? तो हमारे, हम सबके लिए गोत्र होते हैं, कि भारद्वाज, किसी का अलग अलग तरीके के गोत्र होते हैं सबके। तो उन गोत्रों से जो हमारी जो परंपरा चली है ब्रह्मा जी पे पहुंचती है सीधा डायरेक्ट। तो हमें जो हमारा जो हम जो आए डायरेक्ट ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, ठीक है? लेकिन ब्रह्मा जी को ही पता होगा कि हमारे परम पिता परमेश्वर कौन है। तो ब्रह्मा जी को कैसे पता? तो ब्रह्मा जी जब इस सृष्टि में आए, जब उनका इस संसार में आए, उन्होंने देखा कोई नहीं है, चारों तरफ कोई नहीं बैठा, वो घूमते रहे, उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। तब उन्हें आवाज आई तप की, तपस्या करो। तो उन्होंने तपस्या की तो उन्हें पता चला कि भगवान कौन है। तो उन्होंने ग्रंथ लिखा ब्रह्म संहिता। तो उसमें ब्रह्म संहिता में कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनारादि राधि गोविंद सर्व कारण कारण, कि कृष्ण ही भगवान है। तो तीन चीजें होती है, एक होता है सुनना, एक होता है जानना, एक मानना। एक हमने सुन लिया, अगर हमने उस चीज को मान लिया ना तो मान, और एक होता है ग्रहण करना। तो अगर हमने ये पता चल गया कि भगवान, हमने सुन तो लिया भगवान कृष्ण है, अगर हमने मान लिया ना तो कहते हमारी 50% भक्ति हो गई, 50% भक्ति हो गई, अगर हमने ये मान लिया कि कृष्ण ही भगवान है। लेकिन अभी क्या होता है कि कुछ लोगों के घर जाओ, मंदिर में देखो तो कृष्ण भी रखे हैं, माता जी भी रखी है, शिव जी भी रखे हैं, गणेश जी भी रखे, सबके सब रखे हुए हैं, और सबको वो एक ही समान समझते हैं कि सारे के सारे भगवान है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो एक छोटी सी मैं कथा सुनाता हूं। एक व्यक्ति, उसको वो सारे सभी देवी देवताओं की सबकी पूजा करता था, सबको बड़ा खुश रखता था, हनुमान जी के मंदिर में जाता था, प्रसाद चढ़ाता था, शिव जी के वहां जाता था, शिवलिंग में दूध चढ़ाता था, माता रानी के व्रत रखता था, सब कुछ रखता था। तो एक बार वो तीर्थ में गया, बहुत ऊंचे पहाड़ पे दर्शन करने गया हुआ था, तो अचानक उसका पैर फिसल गया वहां से, और वो गिरने लगा पहाड़ से। तो जैसे ही पहाड़ से गिरने लगा तो चिल्लाए, हे गणेश जी मुझे बचाओ, हे गणेश जी बचाओ, मैंने आपके यहाँ आपके विसर्जन में इतना दान किया है, आपको इतना पुण्य किया है, मैंने आपको इतने लड्डू भोग चढ़ाए, मुझे बचाओ। तो गणेश जी ने कहा ये मेरा भक्त मुझे बुला रहा है, इसने मेरी बहुत भक्ति की है, उसे बचाने दौड़ पड़े। तो जैसे ही गणेश जी बचाने दौड़ पड़े, तब तक वो चिल्लाया, अरे शिव जी जी मुझे बचाओ, अरे भोलेनाथ जी मुझे बचाओ, मैंने आपके शिवलिंग में इतना दूध चढ़ाया है, मुझे बचाओ। तो गणेश जी रुक गए, गणेश जी ने कहा शिव जी जी को बुला रहे। तो शिव जी जी दौड़ पड़े, शिव जी जी ने कहा चलो मैं बचाने चलता हूँ, मेरे को बुला रहे। तो जैसे ही शिव जी जी उसे आगे बचाने दौड़ पड़े, वो चिल्लाए, हे बजरंग बली मुझे बचाओ, हे बजरंग बली मुझे बचाओ, मैंने आपके इतने व्रत रखे हैं, बंदर को केले खिलाए, चने खिलाए हैं, मैंने मंगलवार के व्रत रखे, मुझे बचाओ। तो शिव जी जी रुक गए, अब हनुमान जी ने कहा मुझे बुला रहे, हनुमान जी जाने लग गए। जैसे हनुमान जी जाने लगे, हे माता रानी मुझे बुलाओ, हे माता रानी को जाओ, मैंने आपकी कंचन कराया है, नवरात्रि के व्रत रखे, बच्चों को खाना खिलाया है। तो हनुमान जी भी रुक गए, अब माता रानी चली गई दौड़ बचाने। तो जैसी माता रानी आने लगी बचाने, हे मेरे कुल देवी देवता मुझे बचाओ, ये करो, मैंने आपको इतना भेंट दिया है, ये दिए, माता रानी रुक गई। तो जैसे ही वो कुल देवी देवताओं का नाम ले रहा था, उससे पहले ही वो नीचे जाके धड़ाम जाके गिर गया, उसका राम नाम सत्य हो गया। बड़ा उसे गुस्सा आया, बड़ा गुस्सा आया कि मैंने इतने सारे देवी देवताओं की पूजा की, इतना सब कुछ किया, और कोई मुझे बचाने नहीं आया। वो बड़ा क्रोधित हुआ, ऊपर गया देवलोक में, तो सारे देवी देवता खड़े थे, तो बड़ा गुस्सा हो गया उनसे कि तुम लोग मुझे बचाने नहीं आए, मुझे बचाने नहीं आए हैं, मैंने सबको इतनी पूजा की, इतनी पूजा की। गणेश जी से पूछा आप क्यों नहीं आए, अरे मैं तो आ रहा था, लेकिन तब तक मैंने कहा हनुमान जी आ जाओ। तो हनुमान जी से पूछा आप क्यों नहीं आए, आपने कहा
तो हनुमान जी कह रहे हैं भाई मैं तो आ रहा था लेकिन तुमने कहा कि भोलेनाथ जी आ जाओ, तो मैं रुक गया। भोलेनाथ जी से पूछा आप क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा भाई तुमने माता रानी को बुलाया। तो माता रानी से पूछा आप क्यों नहीं आए, तो माता रानी बोली भाई तुमने अपने कुलदेवी देवताओं को बुलाने लग गया। कुलदेवी देवताओं से पूछा, कह रहे तुम मुझे लगा तू किसी और को बुलाएगा इसलिए मैं नहीं आई है। तो बड़ा क्रोधित हुआ, तो कहते हैं कि सब साधो एक साधो सब सदे और सब साधो सब जाए। तो करनी है साधना तो किसी एक की करो, एक किसकी करो भगवान कृष्ण की। सब साधो सब सब जाए, सबकी करोगे ना कोई हाथ नहीं आने वाला, कुछ नहीं हाथ नहीं आने वाला। मैंने अपने एक दोस्त को बताया कि भाई जो कुछ काम करो ना भगवान कृष्ण को आगे रख के करो, तो जो भी काम करोगे हमेशा सफल होंगे। तो उसने कहा ठीक है। दो चार दिन मेरे पास आया, कह रहा भाई तू बड़ा झूठ बोलता है। मैंने भाई क्या हो गया, कह रहा तूने कहा था कि भगवान को आगे रख के कार्य करोगे जो भी कार्य करोगे सफल होगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल होगा। कह रहा मैंने भाई भगवान को, मैंने नई गाड़ी ली थी, मैंने गाड़ी के आगे भगवान की फोटो लगाई थी और मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी में आगे से टक्कर हुई। तो मैंने कहा भाई इसका मतलब ये थोड़ा कि भगवान को आगे करो तो गाड़ी के आगे फोटो लगा दो। मैंने कहा तुझे चोट तो नहीं आई, कह रहा नहीं। मैंने कहा इसलिए तुझे चोट नहीं आई कि भगवान ने सारा प्रहार अपने ऊपर सह लिया, तू बच गया। मैंने तूने करा क्या था जब गाड़ी ली थी, कह रहा मैंने भाई अपने दोस्तों को 5,000 रुपये की पार्टी दी थी है, उनको होटल ले गया था, उनको बियर पिलाई, उनको चिकन खिलाया। तो मैंने कहा तभी ये हाल हुआ है। मैंने भगवान को आगे करने का मतलब है नहीं कि भगवान को आगे करो, मैंने जब कोई चीज लो, कोई लो, मंदिर में जाओ, पूजा पाठ कराओ, कीर्तन कराओ, प्रसाद बांटो, तो भगवान को आगे करने की चीज होती है। तो उसने कहा ठीक है। तो मैंने उसे एक और एग्जाम्पल दिया कि एक आप लोगों ने सुना होगा एक टाइटैनिक जहाज था, टाइटैनिक, तो उस टाइटैनिक जो जहाज बना था ना, तो दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा जहाज बनाता हूँ टाइटैनिक जहाज। तो उसके जो डिजाइनर थे ना, उन्होंने कहा कि हम चैलेंज किया कि हम ऐसा जहाज बनाएंगे, ऐसा जहाज बनाएंगे पूरी दुनिया में ऐसा जहाज नहीं होगा। उन्होंने जैसे गोल्ड होता है ना 24 कैरेट, तो उन्होंने ऐसे 24 कैरेट से लेकर मतलब अच्छी अच्छी क्वालिटी की लकड़ी, लोहा, मटेरियल, सीमेंट, A to Z उसमें बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया चीज लगाई और वो जहाज दो साल में बन के तैयार हुआ। जब वो जहाज बन के तैयार हुआ तो सारे लोग देखने आए, 1 लाख से लोग ज्यादा ऊपर उस जहाज को देखने आए कि ऐसा कौन सा जहाज बनाया। वो 17 मंजिल ऊंचा जहाज था, इतना ऊंचा जहाज था, और जो जहाज इतना ऊंचा था लोग उसे देखने लगे, आ गए जहाज देख रहे। तो प्रेस वाले आए, मीडिया वाले आए, तो उसके जो जिस कंपनी ने उसे बनाया था उसके डिजाइनर से पूछा भाई अपने जहाज के बारे में बताओ। उसने कहा कि मैंने ऐसा जहाज बनाया ना, ऐसा जहाज बनाया कि जिसे भगवान भी नहीं डुबो सकता। मैंने इसमें A1 क्वालिटी की चीज लगाई, A1 क्वालिटी की, और इसे भगवान भी नहीं डुबो सकता। तो सबने कहा अरे बहुत अच्छी बात है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े मीडिया वाले, प्रेस वाले, बड़े बड़े नेता, उन्होंने भाई पहले दिन टिकट बुक करा ली उस जहाज की। अब पहले दिन जहाज चला इंग्लैंड से न्यूयॉर्क, जहाज चला इंग्लैंड से न्यूयॉर्क, टाइटैनिक जहाज, सबसे बड़ा जहाज A1 क्वालिटी का, और जहाज गया। और पहले दिन ही जब पहली यात्रा में एक बड़े से आइसबर्ग से, बर्फ के टुकड़े से टकरा के चूर चूर होके गिर गया, पहले दिन ही। फिर मीडिया वाले उसके पास आए, डिजाइनर के पास, तू तो कह रहा था जहाज कभी डूबेगा नहीं, जिसे भगवान भी नहीं डूबो सकते। तो उसके डिजाइनर के पास कोई जवाब नहीं था। उसके बाद दूसरा जहाज बनाए Queen Mary 2। जब वो जहाज बना ना, वो उन्होंने भी अच्छी क्वालिटी का बनाया, बड़ा अच्छा जहाज बनाया, सब कुछ लगाया उसमें। प्रेस वाले आए, मीडिया वाले आए, बताया भी, बताओ भाई क्या क्या है जहाज, कैसा बनाया। उन्होंने कहा भाई ऐसे ऐसे बनाया। तो उन्होंने कहा कब तक चलेगा जहाज, उन्होंने कहा भगवान जाने भाई, भगवान की इच्छा है, भगवान जब तक चला है, और जहाज आज तक चल रहा है। एक जहाज को बोला कि भगवान नहीं डूब सकते, वो टूट गया पहले दिन ही, और दूसरा जहाज होने में भगवान की मर्जी है, दूसरा देखो भगवान अभी तक चल रहा है Queen Mary 2। अब इंटरनेट में सर्च करना, एक जहाज तो डूब गया, एक जहाज हो गया। ठीक है, आपने एक नाम सुना होगा मोहम्मद अली। मोहम्मद अली एक बहुत बड़ा बॉक्सर था, अभी भी स्पोर्ट्स में जाओगे ना जहाँ बॉक्सिंग होती है वहां उसकी फोटो लगी है। वो अमेरिका का था, बहुत बड़ा बॉक्सर था। तो जब वो छोटा था ना, तो बॉक्सिंग उसे किसी कारण से जेल हो गई, बड़ा उद्यमी था, तो जेल में वो दीवार में प्रैक्टिस करता था घूसे मारने की। तो इतनी ताकत थी उसके हाथ में कि दीवार हिलती थी, तो उसको घमंड आ गया अपने हाथ में। तो उसे कोई बॉक्सिंग रिंग में ले गया, तो बॉक्सिंग करने लगा, तो बड़े बड़े वर्ल्ड चैंपियन में के साथ उसकी फाइट हुई और सारी फाइटें जीत गया। तो जब भी वो फाइट जीतता था वो कहता था I am the great, मैं महान हूँ, और कोई महान नहीं है, मैं ही महान हूँ, मैं महान हूँ। तो अब उसने संन्यास ले लिया,
तो उसके बाद प्रेस रिपोर्टर गए काफी सारे कि उसके ऊपर फिल्म बनाएंगे। उसने इतनी सारी लाइन फाइट जीती है, इतना बड़ा वो बहुत बड़ा फाइटर है। तो जब मोहम्मद अली के पास गए लोग, उनसे पूछा कि प्रेस वाले बैठे हुए थे, हरी बोल अभी कोई जाना नहीं क्योंकि अभी गिरिराज की पूजा होगी ना, अभी 5 मिनट में गिरिराज की पूजा हो जाएगा। क्योंकि एक बार जीवन में जो गिरिराज की पूजा करता है, किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगा। इतने महिमा गिरिराज पूजा की, ये स्वयं कृष्ण ये बात में बताए। इसलिए अभी कोई मत जाए, सब बैठो, थोड़ी देर बाद में गिरिराज पूजा होगी। हाँ देखो, कल जो कृष्णा रुक्मिणी की विवाह है, उसमें अगर कोई अच्छे साड़ी लाओगे, कोई साड़ी देना चाहते हो साड़ी दे सकते हो, फिर हम वृंदावन में से राधा रानी को पहनाएंगे अगर बढ़िया साड़ी लाओगे। ठीक है, जो देना साड़ी देना चाहे ले आना। और कल ये सुदामा चरित्र भी है, हाँ उसमें अगर कोई, जैसे सुदामा जी चिड़वा लेकर गए थे, अगर आप लोग कोई चावल अगर लेकर गाओगे फिर वो चावल आपके भंडारा में लगेगा। परसों दिन जो भंडारा होगी वो हो सकता है उसमें वो चावल हम लगा देंगे। तो जो मोहम्मद अली के पास पहुंचे सब लोग, तो प्रेस वाले बैठे थे, तो चाय रखी हुई थी, तो सब चाय पी रहे थे, तो वो चाय नहीं पी रहा था। तो किसी ने पूछा भी चाय पी लो, तो उसका एक नौकर आया, वो उसको चाय पिलाने लग गया। तो किसी ने पूछा ऐसा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया इसके हाथों की पावर खत्म हो गई, ताकत खत्म हो गई। तो जो आदमी कहता था कि भाई मैं आई एम द ग्रेट, मैं महान हूँ, जिसको अपने में घमंड था, आज वो चाय का कप का प्याला भी नहीं उठा पा रहा। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि रसम अप्सु शशि सूर्य प्रभास्मु सर्ववेदेशु शब्दम निरसु, मतलब जो रस का स्वाद मैं हूँ, चंद्रमा सूर्य का प्रकाश मैं हूँ, और मनुष्य के सर्व जो सारे वेद है ना उनका सार मैं हूँ, और मनुष्य के अंदर जो शक्तियां उसकी जो पुरुष है वो शक्ति ही मैं हूँ। तो देखो भगवान के सामने कितना बड़ा घमंड कि मेरे अंदर पावर है। एक आपने सुना होगा बीटल कंपनी, अभी है बीटल कंपनी थी बहुत बड़ी, तो वो बड़ी इतनी बड़ी म्यूजिक कंपनी थी, जैसे पहले बेलटेक म्यूजिक सोनी कंपनी होती थी तो वैसी कंपनी थी। तो उसका अपने पर घमंड था कि हमारी जितनी जैसी कंपनी है ना, इसका नाम जितना है इतना नाम किसी का भी नहीं, पूरी दुनिया में किसी का नाम नहीं है। तो उसका जो सिंगर था ना, वो बहुत बड़ी बहुत सिगरेट पीता था खूब। एक बार उसने सिगरेट पी के धुआं निकाल के बोला, गॉड दिस इज फॉर यू, ये भगवान तुम्हारे लिए धुआं, सिगरेट पी के बोल रहा है भगवान तुम्हारे लिए। और अगले दिन ही पता चला उसे लंग कैंसर हो गया, अगले दिन उसे लंग कैंसर हो गया, भगवान ने कहा ये ले तेरे लिए। तो देखो ऐसा घमंड। और हम क्या कर रहे हैं, हम भगवान को पीछे रख रहे हैं और दुनिया को आगे कर रहे हैं। जैसे अभी कुछ पहले हम क्या होता था, राशन की लाइनें होती थी, कुछ भी लाइनें होती थी, कहीं भी पता होता था कि, जैसे छोटे में मैं था, मुझे पता है कि मेरे घर वाले बोलते थे जा राशन की लाइन में लग जा कि कुछ देर के लिए राशन मिलेगा। तो हम क्या करते थे, पहले खड़े हो जाते थे, हमें पता है कि दुकान 12 बजे खुलेगी, हम 10 बजे जाके खड़े हो जाते थे राशन की दुकान में। तो ऐसे ही वहाँ माहौल था, 10 बजे सब लोग आके खड़े हो गए, 12 बजे दुकान खुलनी है, 1 बज गया, 2 बज गया, सब लड़ रहे हैं आपस में, मैं आगे जाऊंगा, एक दूसरे को उठा उठा के पीछे देख रहे हैं कि मेरा नंबर है, लगे पड़े लाइन में। तभी एक आदमी बोला, कह रहा आज दुकान नहीं खुलेगी। सब लोग बड़े गुस्सा हो गए, यार हम सुबह से लगे हुए 10 बजे से और 1:30 बज गए, और ये आदमी कह रहा दुकान नहीं खुलेगी, आप बता रहे। उससे पूछा, भाई क्यों, ऐसा क्या हुआ, दुकान क्यों नहीं खुलेगी? कह रहा भाई मैं दुकानदार हूँ, मैं जैसे दुकान खोलने आगे जा रहा हूँ तुम उठा के मुझे पीछे फेंक देते हो, मैं जैसे आगे दुकान खोलने जाता हूँ तुम कहते भाई लाइन में है, तो भाई दुकान खुलेगी कैसे? तो हमने भी यही करा हुआ है कि हमने क्या करा, सबको आगे कर दिया, भगवान को पीछे कर दिया है। तो हमारी भी किस्मत में ऐसे ताले लगे हुए हैं, हम कहते हैं हमारा भला नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, कहाँ से होगा, हमने भगवान को पीछे कर दिया, खुद आगे हो गए। तो सबसे पहले हमें क्या कर रहे हैं, भगवान को आगे रखना है। भगवान आगे रहेंगे तो हमारे सारे काम सफल होंगे, सारे काम, कभी कोई विपदा नहीं आएगी, कभी कुछ गलत नहीं होगा, भगवान को आगे रखेंगे। लेकिन भगवान से भी बड़ा क्या है, भगवान का नाम। देखो इसका बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ आपको, मैं कलयुग का उदाहरण देता हूँ। आप सब लोगों ने सलमान खान का नाम सुना है, सबने सुना होगा, ऐसा कोई नहीं जिसने सलमान खान का नाम नहीं सुना होगा। बहुत पहले उसकी मूवी आई थी तेरे नाम आई थी, कोई बताएगा उसमें उसका नाम क्या था, हाथ खड़ा करके उसे नाम मिलेगा, राधे राधे, बिल्कुल सही बताया ना, राधे, देखो सबने देखी है, उसका नाम था राधे मोहन। उससे पहले उसका कैरियर खत्म हो गया था, उसे भी फिल्म नहीं मिल रही थी, उसके ऊपर केस और हो गया था, उसने हिरण मार दिया था, और उसने मुंबई में किसी के ऊपर गाड़ी चला दी थी, केस हो गया था, बड़ा परेशान था, लोग उसकी फिल्म नहीं देख रहे थे। फिल्म आई तेरे नाम,
ठीक है। तो कहते हैं इसमें देखो नाम की क्या महिमा है, हम लोग नाम करते हैं जप करते हैं लेकिन हम क्या करते हैं हमारा ध्यान इधर उधर हो जाता है। लेकिन फिल्म वालों का क्या है, उनको डायलॉग बोलने हैं, डायलॉग जब बोलेंगे ना वो तो उन्हें ध्यान रखना पड़ता है। अगर उन्होंने गलत बोला तो डायरेक्टर बोलता है कट दोबारा बोलो, जब तक वो सही नहीं बोलते उन्हें डायरेक्टर बुलवाता रहता है कि भाई उन्हें पता है करोड़ों लोग देखेंगे। उन सुनना भी अच्छे से पड़ता है और बोलना भी अच्छे से पड़ता है। देखो उसने राधे राधे सुना कितनी बार, पूरी मूवी में उसने कई बार राधे राधे, ठीक है। इस फिल्म के बाद ही उसका उसकी फिल्म जो भी सुपर हिट हो गई, सुपर डुपर हिट हो गई फिल्म और उसका कैरियर आगे बढ़ गया, सब लोग जानने लग गए उसके, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले उसकी एक मूवी आई थी बजरंगी भाईजान, आई थी बजरंगी भाईजान में उसने क्या डायलॉग मारा पूरी फिल्म में कि जय श्री राम जय श्री राम। देखो मुस्लिम है लेकिन नाम ले रहा है क्या जय श्री राम, और कैसे ले रहा है दिखावटी ले रहा है लेकिन सब लोगों के सामने ऐसे ले रहा है कि सबको लगे असलियत में है, भाव नहीं है कुछ भी उसके अंदर नाम के लिए लेकिन नाम ले रहा है जय श्री राम जय श्री राम। हम हनुमान जी के भक्त हैं, हम सच झूठ नहीं बोलते। पूरी मूवी में पूरी फिल्म में उसने एक ही डायलॉग बोला है, सब जगह जाके बोला। देखो नाम की क्या महिमा है कि नाम बोलने से क्या हुआ, अगले दिन ही फिल्म के उसके ऊपर जो केस चल रहा था ना बहुत टाइम से हिट एंड ड्राइव का, मुंबई में उसने लोगों के ऊपर गाड़ी चला दी थी, अगले दिन ही उसे बेल मिल गई, अगले दिन ही बेल मिल गई नाम लेने से। देखो नाम का कितना प्रभाव है, नाम लेने से उसे इतना पड़ गया। अब ये देखो वो झूठा नाम ले रहा है, जब झूठा नाम लेने वाले का कल्याण हो सकता है तो आप लोग अगर असली में नाम लोगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। एक बार हाथ उठाकर बोलो हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हाँ और एक बार बोलो सब मैं सुनूंगा आप बोलो हरे कृष्ण कृष्ण से गिरिराज महाराज की जय हो। जोर से जयकार लगाओ, जो जितने जोर से गिरिराज की जय देगा उतना पाप खत्म होगा और उतना शांति से घर में आएगी। गिरिराज का जय है ही है, उनका क्या जयकार, भगवान की जय देने से अपना जय होता है। जोर से बोलो बोले श्री गिरिराज महाराज की जय हो। अभी लग रहा है खड़ा में कथा हो रही है। देखो ये जो गिरिराज गोवर्धन है ये कौन है, बोले ये और कोई नहीं ये भगवान कृष्ण स्वयं, ये गिरिराज स्वयं कृष्ण। ये आए कहाँ से, बोले ये गोलोक वृंदावन से आए। एक समय गोलोक वृंदावन में बांके बिहारी और राधा रानी दोनों बैठे हुए थे, आपस में चर्चा कर रहे थे ऐसे एक सुंदर स्थान हो जहाँ पर हर तरह का सरोवर झरना हर तरह का फल फूल पृथ्वी का सबसे सुंदर स्थान हो जहाँ पर एक साथ में छह ऋतु बहे। इतने में श्री राधा रानी अपना हृदय से ये गिरिराज गोवर्धन को प्रकट करती है, हैं ये गिरिराज और कोई नहीं ये राधा जी के हृदय से गिरिराज गोवर्धन। एक दिन कृष्ण राधा रानी से बोले बोले हे राधे मैं ये मरते जगत में जाना चाहता हूँ मेरे साथ में चलोगी, बोले मैं नहीं जाऊंगा, बोले क्यों, बोले जहाँ पर गिरिराज नहीं यहाँ पर जमुना पटगानी नहीं जहाँ पर राधा कुंड श्याम कुंड नहीं मैं वहाँ नहीं चलती हूँ। कृष्ण बोले देखो राधे जब मैं ये गोलोक वृंदावन से नीचे उतरूंगा ये गोलोक वृंदावन में जो कुछ देख रहे हो ये पूरा के पूरा मैं उतार लूंगा फिर तो मैं चलूंगी। मतलब है कि जो गिरिराज गोवर्धन यमुना पटरानी नंदगांव बरसाना ये मर्त्य जगत का वस्तु नहीं ये गोलोक वृंदावन से ही ये मर्त्य जगत में सबके सब आए हैं। एक दिन मैया जसोदा रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ इमरती रात भर बना रही थी। कृष्ण बोले मैया मैया ये रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ क्यों बना रही हो, क्या कल मेरी जन्मतिथि है, बोले नहीं, बोले क्या दाऊ भैया का जन्मतिथि, बोले नहीं, बोले फिर तू इतना बढ़िया सुंदर सुंदर ये पकवान क्यों बना रहे हो, बोले जा पिताजी को पास में जा पिताजी को पूछना। कृष्ण गए नंद बाबा का गोद में बैठ गए
उनको दाढ़ी पकड़ लिए, बोले बाबा बाबा मैया ये रात भर इतने बढ़िया बढ़िया खाना क्यों बना रहे हैं। बोले बेटा हम श्री इंद्र की पूजा करेंगे। बोले पिताजी इंद्र कौन होता है? बोले ये स्वर्ग का राजा है और इसकी अधीनी में बारिश ही है और इसकी आदेश पर ये बारिश ही होती है और हम लोग सबके सब ग्वाला है। हमारी जो मूल धन है ये गैया हमारी मूल धन है। गैया घास खाते हैं, दूध देते, दूध से बनता है मिठाई, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी और हमारी जो दूध दही ना यही हमारी खान पान है। अभी भी आप ब्रज में जाओगे ना आपके इतने मोटी मोटी रोटी और दही नहीं तो छाछ और गुड़ नहीं तो अचार हो बस इसी से ही सब कुछ खा लेते हैं। ब्रज का मूल दूध दही सब कुछ है इसलिए हम श्री इंद्र की पूजा करते हैं। लेकिन कृष्ण बोल रहे सोच रहे थे हम श्री गिरिराज की पूजा की स्थापन करेंगे। बोले क्यों? ये जो गिरिराज गोवर्धन का तीन रूप है देखो पुराने में कथा आती है। एक समय ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ने कठोर साधन की भगवान बांके बिहारी की। जब बांके बिहारी प्रसन्न हुए बोले वर्मा गो बोले प्रभु आपकी चरण की हम सेवा चाहते हैं। बोले किस रूप में? अगर हम ब्रज में पहाड़ होकर के जन्म हो जाए आप हमारे सर के ऊपर में गैया चराए रास करे लीला करे जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान तथास्तु बोलते हैं। देखो ये ब्रज की कितने महिमा है। ये जो नंदगांव है वो पहाड़ है, वो पहाड़ नहीं। जो नंदगांव गए ऊपर देखना वो शंकर जी नंदीश्वर महादेव, जो बरसाना ये कौन है? ये ब्रह्मा जी। बोले जो गिरिराज गोवर्धन कौन है? बोले ये भगवान विष्णु। बोले ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों पर्वत का रूप लेकर के ब्रज में प्रकट हुए हैं। बोले श्री गिरिराज महाराज की। बोले इनका ये एक रूप है। कहते इनका दूसरा रूप क्या है? बोले ये स्वयं भगवान बांके बिहारी कृष्ण ही एक रूप में तो पूजा की और दूसरे स्वरूप में उन्होंने पूजा को ग्रहण करते हैं। आप कोई भी गिरिराज कौन कौन परिक्रमा लगाए, गिरिराज कौन कौन दर्शन किया, आप देखना आप गिरिराज की कोई भी एक पत्थर उठा लो, कोई भी एक पत्थर उठाओ और वो पत्थर को आप देखना किसी ना किसी रूप में भगवान का रूप मिलेगा। कहीं राम रूप में, कोई लड्डू गोपाल रूप में, कोई अनंत नाग रूप में, कहीं राम रूप में, कहीं नरसिंह भगवान। कोई भी एक छोटी से छोटी पत्थर लो आप देखोगे उसमें साक्षात भगवान के रूप देखने को मिलेगा हर पत्थर के टुकड़े में। कभी कभी उनकी पूजा करो देखोगे ये रूप बदलती रहती है, इनका रूप बदलती रहती है। जो लोग पूजा करते उनको जानते हैं। इसलिए ये स्वयं कृष्णा, इनका जो तीसरा स्वरूप कौन है? बोले हरिदास ब्रज, मतलब भगवान की सबसे बड़े सेवक है। कृष्ण गैया वही चराए, रास वही किए, कुंज कुंज में वहीं पर लीला की, वहीं पर राधा कुंड श्याम कुंड में जल विहार करते थे। कृष्ण हर तरह का लीला श्री गिरिराज गोवर्धन में ठाकुर जी की ये सारी पूजा गिरिराज गोवर्धन की हुआ करती है। ये भगवान की सबसे बड़े ये सेवक श्री गिरिराज बाबा है। इसलिए श्री कृष्ण सोच रहे हैं ये गिरिराज गोवर्धन सब कुछ देने वाले हमारा ब्रज की, ये गिरिराज की पूजा को स्थापन करना प्रभु चाहते थे। कृष्ण ने कहा पिताजी अब ये बताओ इंद्र की पूजा कब से कर रहे हो? बोले जब से होश आए। बोले जब आप कोई भोग लगाते हो आप इंद्र को देख दर्शन किया कभी खाते हुए? बोले नहीं लाला। बोले जब आप इंद्र गिरिराज की पूजा करोगे बाबा ये गिरिराज साक्षात दर्शन देंगे, अब इनसे जो मांगोगे ना ये गिरिराज सब इच्छा पूरी करेंगे। बोले बाबा जो हम ब्रज में वास कर रहे हैं ये गिरिराज की कृपा से, ये पहाड़ नहीं बाबा ये ब्रज की देवता है। ये मेघ आकर के गिरिराज में टकरा करके बारिश होती है, घास गैया कहाँ खाते हैं? गिरिराज से। फल फूल कहाँ से मिलता है? गिरिराज से। झरना का पानी कहाँ से मिलता? बोले गिरिराज से। कहाँ पर आप जल विहार करते हो? बोले गिरिराज में। बोले सब तो गिरिराज से मिलता है। इसलिए इनका नाम है गोवर्धन। गो मतलब होता है इंद्रिया, गो गोपी गाभी, वर्धन मतलब इनको जो भरण पोषण करते हैं, इनको जो भरण पोषण करते हैं बाबा। बाबा जब गिरिराज की पूजा करोगे ना ये गिरिराज खूब आशीर्वाद देंगे,
तुमको खूब आशीर्वाद देंगे। बोले बाबा जीवन में एक बार गिरिराज की पूजा कर लो, केवल एक अन्न की दाना गिरिराज जी की सेवा में लगा दो, किसी जीवन में तुम्हारी घर में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगी, घर में लक्ष्मी अन्न पुन्ना घर में भरी रहेगी। नंद बाबा राजी हो गए, बोले ठीक है कल हम श्री गिरिराज की पूजा करेंगे, जाओ ब्रज में ढिंडरा पिटवा दो। और जितने ब्रजवासी थे ना उन लोगों ने चार तरह का चावल बनवाए। आप लोगों ने कितने तरह का चावल लाए हो? एक फीका चावल, एक नमकीन, एक मीठा और एक मटर पनीर डाल करके, चार तरह का चावल। दो तरह का कढ़ी लाए, एक राड कढ़ी और एक सुहागिनी कढ़ी। राड कढ़ी बगैरा पकौड़ा के जो बनाते हैं, सुहागिनी कढ़ी जिसमें पकौड़ा डाल कर बनाते हैं। दो तरह के चूरमा बनाए, एक हसना और एक रोना। हंसना मतलब पतले में रखते खिल जाए, रोना मतलब जिसे घी टपकता है। 10 तरह का तो पराठा बनवाए, आलू की, गोभी की, बथुआ की, मूली की, घिया की, पालक की, कितने तरह का पराठा, 10 तरह का तो पराठा बनवाए। इसलिए 5 तरह का दाल बनवाए और इतने खाना लाए जिसका नाम पड़ गया अन्नकूट। कूट मतलब होता है पर्वत, अन्न मतलब होता है अन्न, जहाँ पर मीठा चावल की पहाड़, जहाँ पर जलेबी की पहाड़, जहाँ पर परठा की पहाड़, एकदम पहाड़ जैसे सबके साथ। अभी कृष्णा अपना हाथों से पंचामृत के द्वारा गिरिराज गोवर्धन का अभिषेक करवाए और उनको स्नान करवाया, बड़े सुंदर श्रृंगार करवाए और जितने खाना लाए थे ना सबको ऊपर में तुलसी पत्ता दे दिया और श्री गिरिराज को पुष्प पाद्य आचमन दे करके गिरिराज को जब उन्होंने आह्वान की, हे गिरिराज गोवर्धन आप कृपा करके ये समस्त वस्तुओं को ग्रहण करो, जब बोले ना सचमुच से गिरिराज स्वयं प्रकट हुए, सारा दुनिया देख रहा था विशाल। आज का दिन जो मेरी पूजा करेगा खूब फलते फूलते रहेगा, जीवन में शांति सुख में रहेगा, और मुझे जो अनादर करेगा ना जिंदगी भर दुखी, जन्म जन्मांतर दुखी को करेगा। ये गिरिराज स्वयं बोले और उन्हें हाथ बढ़ा बढ़ा कर खा रहे थे, मिनट में सब कुछ खा लिया। बोले आनो रे और लाओ और लाओ और लाओ। ब्रजवासी बोले प्रभु आप इतने में ही संतुष्ट हो जाओ। ब्रजवासियों ने चकाचक भजन की, बोले चलो हम सबके सब मिल करके गिरिराज की परिक्रमा करेंगे। कृष्ण स्वयं राधा जी को लेकर के, ब्रजवासियों को लेकर के, ब्राह्मण संतों को लेकर के, सारे गैया को साथ में ठाकुर जी श्री गिरिराज की परिक्रमा करवाए। इसलिए हम भी अभी गिरिराज की परिक्रमा करेंगे, प्रभु जी गिरिराज की बड़े सुंदर भजन गाएंगे और जो नाच सके, जो एक बार गिरिराज के सामने नाचेगा उसको जन्म जन्मांतर का नाचना उसकी खत्म हो जाएगी। और सबके सब गिरिराज की प्रसाद लेकर के जाना, जो भोग लग रहा है ना ये प्रसाद आप सबको मिलेगा, सबके सब प्रसाद लेकर जाना और प्रभु जब ही गिरिराज जी भजन गाएंगे। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय, जय श्री राधे श्याम। कुल गिरिराज धरण भगवान की
Oh, my God.
चले चले के चले 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 के चले 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 के चले 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 के चले
मेरे गोवर्धन Thank you.
गिरिराज गोवर्धन जाए ना, इसलिए गिरिराज को साथ में तुम नाचनी चाहिए, उसको सारे नाचना बंद हो जाएगी। हरी बोल, हाथ उठा दो बेटो, बोले हरी बोल हरी पेड़ बना देंगे। बोले मेरे कीर्तन में तुमने नाचे नहीं, अरे भगवान के कीर्तन में नाचोगे फिर सब नाचना खत्म, फिर ठाकुर के सामने फिर नाचोगे। बोले हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी Thank you.
लगा जो सामने छलांग लगा और ये छत को छूना है इतने जोर से नी कल होली होगी और कल एकदम प्रस्तुत होकर गाना कल खूब नाचना और भगवान की शादी में भी नाचना ठीक है कल श्री गिरिराज महाराज की आप सबके सब भागवत को प्रणाम करो जय श्री श्री गुरु गौरांगंधर विदा गिरिधारी राधा विनोद बिहारी जी विजय नितलीला प्रवेश श्री भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज विजय नितलीला प्रवेश श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय नितलीला प्रभुष्ठ भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी भवन गोस्वामी दिव्यक्रम गोस्वामी महाराज की जय नितलीला प्रभुष्ठ भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय हरि की जय हरिनाम संकीर्तन की जय की जय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय राधा रमण राधा श्याम सुंदर राधा कुलाधर दामोदर की जय श्रीमद भागवत कथा मृतम की राज बाबा की खुड़ा के भक्त वृंद की नैडा के भक्त वृंद की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।